Welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought a new updates regarding faculty recruitment. Before starting, I request you all please like, share and subscribe my channel. So the first recruitment of college is Adsul's Technical Campus Faculty of Engineering and MBA approved by IIT New Delhi, recognized by DTE and Government of Maharashtra, affiliated to SPPU. So in this college there are walk-in interview will conducted for civil, computer, electrical, electronics, telecommunication, mechanical, physics, chemistry, mathematics and MBA. This is the seat matrix. For civil there are 2 vacancies for professor, 3 vacancies for associate and 7 for assistant professor. In computer there are vacancies for 2 for professor, 3 for associate and 8 for assistant professor. Electrical 2 for professor, 3 associate and 9 assistant professor. Electronics telecommunication 2 for professor, 3 for associate and 8 for assistant professor. And for mechanical 2 for professor, 3 for associate and 6 for assistant professor. In physics no vacancies for associate professor and professor, but 2 vacancies for assistant professor is there. Same chemistry and mathematics, no vacancies for associate and professor and professor, but 2 vacancies for chemistry and 2 vacancies for mathematics is there. And in MBA 2 vacancies for professor, 3 for associate and 6 for assistant professor is there. There are also vacancies for carpenter, welder, turner and sheet metal. 2 posts for each position. Qualification required is ITI. So what are the requirement to apply here? If you have ME M.Tech qualify or PhD qualified, then you can apply here. Experienced candidate will be prepared and they will be offered attractive pay package. Educational qualification experience and eligibility is as per AICT New Delhi and Government of Maharashtra norms. तो आपका यदि पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए, और यदि एमई एमटेक है तो आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए पीएचडी मस्ट होता है, तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यदि एमई एमटेक है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है, अप्लाई करो यहाँ पर। और जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट आपका होगा वो 21 फरवरी को होगा, टाइमिंग 10 बजे शुरू होगा। प्लेस ऑफ इंटरव्यू आपका है अदसुल कोचिंग क्लासेस, लाल टाकी, अहमदनगर। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाना है, 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी एंड 2 फोटोग्राफ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड दियर रिज्यूम ऑन ईमेल ID अदसुल टेक्निकल कैंपस @gmail.com। तो यदि आप अप्लाई मतलब वहाँ पे जाना चाहते हो वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो आप अपना रिज्यूम पहले यहाँ पे सेंड कर दो और डायरेक्ट वहाँ पे वॉक इन के लिए आपको चले जाना है। तो ये था आपका पहला रिक्रूटमेंट। सेकंड जो आपका है वो देख सकते हो नागा शिवा पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है, जहाँ पर आपका ये कॉलेज जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये आपका मदुरई में है। और इसमें वॉक इन जो आपका चल रहा है वो आपका होगा लेक्चरर के लिए, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है बी सिविल, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, ईसी और कंप्यूटर। नहीं नहीं, आपका लेक्चरर का जो है वो यस रिक्वायरमेंट आपका ये है बी सिविल, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, ईसी और कंप्यूटर। लेक्चरर के लिए भी सेम, ये आपका आर्ट्स वगैरह के लिए यानी फॉर कम्युनिकेशन, इंग्लिश और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको MA और MSc है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिन के लिए आपका चाहिए BA, BBA, BCom, BSc। और लैब असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा यदि आपका है सिविल से, ट्रिपल ई और मैकेनिकल और ईसी से, तो लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको डायरेक्टली जाना है रिज्यूम लेके इस कॉलेज में, और इंटरव्यू के लिए अटेंड करना है 21 फरवरी 2021 को संडे 10 AM। तो ये आपका दूसरा था। यदि आपके पास BBTech और फिलहाल जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये सेकेंड था। अब थर्ड पे आते हैं, संत एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये आपका जो है कॉलेज गुड़गांव हरियाणा में है। इसमें आपका जो वैकेंसीज है वो आप प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नॉन टीचिंग पोजिशन के लिए भी है। प्रोफेसर में यहाँ पर देख सकते हो 2 कंप्यूटर साइंस के लिए है, 2 ईच इन CSE कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल। तो
सीएससी, कंप्यूटर साइंस, एमई और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल में, ये सारे में दो प्रोफेसर की वैकेंसी सारे में है, और एक वैकेंसी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में, एक एक वैकेंसी सब में। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 3 वैकेंसी जो है वो सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसी, मैकेनिकल में भी 3 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में भी 3 वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और सेम सिविल में भी 3 वैकेंसी है, और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एमबीए में आपका एक एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे आ जाइए तो 6 वैकेंसी आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 वैकेंसी है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इन सारे में 6 वैकेंसी है, और 12 ईच इन बीसीए, बीबीए, 1 ईच इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड 3 इन एमबीए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसीज है, तो आपके पास अच्छा मौका है यहाँ पर अप्लाई करने का। और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए मैं बोला जाए तो यहाँ पे एक वैकेंसी लाइब्रेरियन का है, 8 लैब टेक्नीशियन का, 1 रजिस्ट्रार का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 1 है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसी, हॉस्टल वार्डन का 2, क्लर्क कम टाइपिस्ट का 5, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 5 है, लैब अटेंडेंट का 10 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का 3 है, सफाई कर्मचारी 12 और माली 6 एंड पियोन 4। क्वालिफिकेशन और जो भी आपका चाहिए वो एज पर आईसीटी और यूजीसी नॉर्म्स आपका यहाँ पे है चलेगा। और दी क्वालिफिकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीए, बीसीए एंड लाइब्रेरी आर नेट एंड पीएचडी। यदि आप मास्टर डिग्री विथ नेट है तो अप्लाई कर सकते हो इन बीबीए, बीसीए और लाइब्रेरियन के लिए, या आपके पास पीएचडी होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है मे अप्लाई विद इन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल आईडी और बाय हैंड एट द एबव एड्रेस। ए कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू डीसीडीयू एमडीयू रोहतक रोहतक। पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डेट इज टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है वो ईमेल कर देना है और स्पीड पोस्ट भी कर देना आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी इसमें होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आ जाओ तो विद्या ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका जो है ये कॉलेज हैदराबाद में है, इसमें फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है जिसमें 3 टाइप के हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। डिपार्टमेंट्स जहाँ पे वैकेंसीज है वो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल, एमबीए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। क्वालिफिकेशन जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जैसा आप अभी तक मतलब जुलाई से पहले या जून 2021 से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपके पास पीएचडी है और एक्सपीरियंस है तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपना जो लेटेस्ट रिज्यूम है और रिज्यूम एंड कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो ताकि आप आसानी से यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाओ। तो career@bjit.ac.in इस पे आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना विथ डॉक्यूमेंट 23 फरवरी से पहले। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुड़गांव, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टीचिंग फैकल्टी का वैकेंसीज है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, सिविल में, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, टीसी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, और कुछ नॉन टीचिंग के लिए भी है लाइक टीपीओ है, एडमिशन काउंसिलर है, टेली कॉलर है, कंप्यूटर टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है, अदर डिपार्टमेंट के लिए रिसेप्शनिस्ट की भी वैकेंसी है, क्लर्कियल स्टाफ के लिए भी है, ड्राइवर, पियोन एंड हाउसकीपिंग स्टाफ। तो आपको क्या करना है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो टीचिंग पोस्ट के लिए तो यदि एमईएम टेक है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हो, और हाई जो पीएचडी वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जो पोस्ट मिलेगा एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, रिज्यूम आपको इस पे ईमेल आईडी पे सेंड कर देना jobs@wctmgudgaon.com पे। कुछ डेट वगैरह नहीं दिया है कब क्या इंटरव्यू होगा, पर वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी उनका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो ये आपका वर्ल्ड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गुड़गांव के लिए, मतलब एनसीआर रीजन के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हो सोलिनी यूनिवर्सिटी है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर 2 सीनियर प्रोफेसर पोजीशन के लिए इसमें वैकेंसी है। डिपार्टमेंट यहाँ पे देख सकते हो बायोटेक है, मैनेजमेंट है, लिबरल आर्ट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंजीनियरिंग के लिए है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लिए है, लीगल स्टडीज़ के लिए, साइंसेज के लिए, योगा के लिए और न्यूरोपैथी और हॉस्पिटलिटी के लिए। सिंस ये भी यूनिवर्सिटी है तो इसमें सारा आपका होता है, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है
और फार्मास्यूटिकल भी है, और इस तरीके से कई सारे कोर्सेस हैं। तो यदि आपके पास मास्टर डिग्री है कंसर्न डिसिप्लिन में फ्रॉम लीडिंग इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, देन आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग में आप बोलोगे तो आपके पास एमटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हो एमईएमटेक। और यदि साइंस वगैरह में करना है या एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उसमें नेट और पीएचडी आपका प्रीफर वो करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना सीवी HR@solini.com पे आपको सेंड कर देना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे रीवा यूनिवर्सिटी, ये बंगलोर का है, तो इसमें देख सकते हो ये आपका इस यहाँ पे ये सारे कोर्सेस हैं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, आर्ट ह्यूमनिटीज है, फिर कॉमर्स मैनेजमेंट है, लीगल स्टडीज़ है, अप्लाइड साइंसेस है। तो इतने के लिए वैकेंसीज है आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बाकी कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें आपको भी रिक्वायरमेंट इनका होगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्टाफ में आपका चाहिए, एप्टीट्यूड ट्रेनर के लिए, फैसिलिटी मैनेजर के लिए, हॉस्टल चीफ वार्डन के लिए, प्लेसमेंट ऑफिसर, टेलीकॉलर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एडमिशन काउंसिलर, लाइब्रेरियन, प्रोग्रामर, इन सारे के लिए आपका वैकेंसीज है। जहाँ इंजीनियरिंग में आप आ जाओ तो सिविल के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, मैकेनिकल के लिए है, और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए है, नेटवर्किंग के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी। इसमें एरियाज वगैरह दिया हुआ है, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम पूरा यहाँ पर आपको बताने लगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना। आर्ट यूनिटीज में आपका वैकेंसीज जो भी है वो इंग्लिश, साइकोलॉजी, जर्नलिज्म, टूरिज्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारे के लिए है। कॉमर्स में भी देख सकते हो, अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए है। इसी तरीके से एमबीए में भी बहुत सारे हैं, तो इस तरीके से कई सारे इनके पास वैकेंसीज हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना रिज्यूम यहाँ पे सेंड करने का, कुछ दिया है कि नहीं दिया यहाँ पे देख लो। क्वालिफिकेशन एंड सैलरी एज पर यूजीसी, आईसीटी और बीसीआई नॉर्म्स, जो भी आपका क्वालिफिकेशन चाहिए इन सारे के लिए वो यूजीसी और एआईसीटी के रूल्स के अनुसार यहाँ पे चलेगा। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अपना रिज्यूम जो भी है सर विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स career@riva.edu.in पे आपको सेंड कर देना बिफोर 3 मार्च। आपका इंटरव्यू वगैरह जो यहाँ पे होगा वो अप्रैल और मई में होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन टेंटेटिवली इन जून 2021। अप्रैल में इंटरव्यू और जून में आपका ज्वाइनिंग यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आपका जो भी है वो इसका भी डिटेल में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, वो है NIT पांडिचेरी का। इसमें आपका वैकेंसीज जो भी है कई सारे डिपार्टमेंट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, इसी के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स के लिए, और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी NIT पांडिचेरी में आपका होगा, और कुछ इंजीनियर्स और नॉन टीचिंग पोजीशन जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट के लिए है। आपको इसमें क्या करना है, या तो ये ऑनलाइन अप्लाई करने का एक दे देंगे, या कुछ ईमेल आईडी वगैरह होगा वहाँ पे आपको सेंड करना है। तो आपका लास्ट डेट होगा इसका 10 मार्च सॉफ्ट कॉपी के लिए, और हार्ड कॉपी जो आपको सेंड करना है वो 15 मार्च है। तो ये आपका NIT पांडिचेरी का हो गया। तो ये सारे कई सारे कॉलेज का वैकेंसीज मैंने आज आपको बताया, सबका क्या करना है स्क्रीनशॉट लेके आपको रख लेना है, ताकि आप ईमेल आईडी को अच्छे से कैप्चर कर सको, और वहाँ से आपको रिज्यूम सेंड आप उस ईमेल आईडी पे कर लो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।